पूर्णिया पुलिस ने कस्बा में हुए अपहरण कांड मामले का 7 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन कर लिया है। दरअसल पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में जनता चौक पूर्णिया निवासी सुखदेव राम, के नगर थाना पूर्णिया क्षेत्र के बागमाड़ा निवासी अभय पासवान के पुत्र पिंटू व मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के गढ़िया निवासी स्वर्गीय हेमंत कुमार के पुत्र विमल कुमार शामिल है। पुलिस एसपी दया शंकर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कस्बा के सिमरिया निवासी राजा यादव की पत्नी गुड़िया देवी को उनके मोबाइल नंबर 21 जनवरी 2021 को फोन आया था कि अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके पति राजा यादव को टेम्पू सहित अपहरण कर लिया गया है तथा पति की सही सलामत पाने के लिए उन्हें अपहरणकर्ताओं को 1,00,000 रुपए गुलाब बाग में आकर देना होगा। इसके बाद अपहरणकर्ता अपना मोबाइल का और लोकेशन को बदल बदल कर गुड़िया देवी से 1,00,000 रुपए की मांग करते रहे। एसपी ने इस मामले की त्वरित उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया। टीम ने तकनीक साक्ष्यों के आधार पर अपहृत राजा यादव को, उसके टेम्पो तथा 3 अपहरणकर्ताओं के उनके 4 वाहन के साथ जनता चौक पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को विधि सम्मत कार्रवाई पूर्ण करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पावर्ड बाय मंदी किचन, इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। कल दिनांक 11/1/2021 को कस्बा के सिमरिया निवासी राजा यादव की पत्नी गुड़िया देवी के मोबाइल पर एक अज्ञात कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन आया कि उनके पति का अपहरण कर लिया गया है और 1,00,000 रुपए की फिरौती की मांग की गई। दोपहर की घटना है। इसकी जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और जिस नंबर से फ़ोन आया था उसके लोकेशन को लगातार ट्रेस करते हुए इनके द्वारा काम किया गया तो मूवमेंट पूर्णिया शहर में ही अलग अलग जगहों पर था। गुलाब बाग, कप्तान पुल, इन सब जगहों के पास इनका मूवमेंट था। तो उस जगह पर रेड करते हुए शाम के 7 बजे जो राजा यादव हैं टेम्पो चालक, उनकी बरामदगी ऑटो के साथ कर ली गई और घटनास्थल से वो जो 3 अपहरणकर्ता हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में कस्बा थाना अंतर्गत कांड संख्या 11/31 दर्ज किया गया है। आगे पूछताछ करने पर इन लोग के द्वारा बताया गया कि कुछ इनके बीच के 50,000 रुपये का लेन देन का विवाद था। इस क्रम में इन्होंने पैसा पाने के लिए इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया और उन्हें लगा कि 50,000 नहीं, हमें 1,00,000 रुपये मिल सकता है इससे तत्काल। तो इन लोगों ने रैंसम कॉल किया, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ करे, पूर्णिया के अलग 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 जगहों पर इसको लेके मूवमेंट में थे। तो सूचना दोपहर 12 बजे के आसपास थाने पर प्राप्त हुई और 7 घंटे के अंदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जो गठित टीम थी उसने सकुशल इनकी बरामदगी कर ली। तीनों को गिरफ्तार करके, तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, बरामद कहाँ से किया गया है? इनको जनता चौक के पास से बरामद किया गया। इनका पहले का भी कोई हिस्ट्री है? पहले का आपराधिक इतिहास अभी अगल बगल के थानों से पता लगाया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।